क्या आपको 2024 के अंदर GT 650 लेनी चाहिए, हाँ या ना, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कितनी आपकी मिनिमम सैलरी उन चीज बाइक को खरीदने के लिए, कितना डाउन पेमेंट करना होगा, कितनी EMI आएगी, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। इसको पालने का खर्चा कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं Throttle 98। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो आपको देखने को मिलती है GT 650, ये है अलॉय व्हील वेरिएंट, बिल्कुल ब्रांड न्यू वर्जन। इसका जो प्राइस है आता है लगभग 4,22,000 रुपये, 4,22,000 रुपीज़ प्राइस आता है। स्पेसिफिकली इस मॉडल, इस कलर के बारे में बात करूं, यह है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड GT 650 कॉन्टिनेंटल विथ LED हेडलाइट क्लस्टर एंड एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स के साथ ये बाइक आती है। इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हेडलाइट क्लस्टर तो बहुत शानदार देखने को मिलती है, बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं, 648cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन आता है, E20 पेट्रोल कंप्लाइंट, पावर आउटपुट 47 BHP है, 52 Nm ऑफ टॉर्क है, दो साइलेंसर निकलते हैं बिकॉज दो सिलेंडर हैं बाइक के इंजन में। फ्रंट में जो ये मडगार्ड देखने को मिलता है फाइबर का देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आता है रिफ्लेक्टर्स के साथ, 320 mm का डिस्क आता है, एलॉय व्हील आते हैं, साथ में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको जो है टायर का लुक देखने को मिलता है, 100x90 सेक्शन के हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, कुछ इस प्रकार से फ्यूल टैंक आता है, प्रॉपर कैफे रेसर स्टाइल बाइक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फ्यूल लेट कुछ इस प्रकार से यहाँ से खुलता है, एंड दिस इज द की होल एरिया, डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, ये जो बटन है इसके थ्रू आप इस छोटी सी LCD स्क्रीन के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो एक केसिंग है मेटल की देखने को मिलती है, आपको टाइप ए चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, हैंडल बार आपको लेफ्ट में देखने को मिलता है, हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न, और यहाँ पर जो है लिवर्स बहुत ही शानदार एडजस्टेबल आते हैं। राइट साइड में आपको किल स्विच, इग्निशन स्विच एंड हैजार्ड लाइट ऑप्शन देखने को मिलता है। साइड लुक कुछ इस प्रकार से आता है GT 650 का, GT कॉन्टिनेंटल 650 ट्विन की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, सिंगल सीटर बाइक आती है। रियर के अंदर आपको जो है बल्ब टेल लाइट, बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, डुअल सस्पेंशन सेटअप आता है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं, 240 mm डिस्क ब्रेक आता है पीछे वाइब्री कैलिपर के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं GT 650 क्या अभी 2024 के अंदर हमें लेनी चाहिए, तो मेरा आंसर है बिल्कुल 100%। अगर आपका लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अपडेटेड एंड लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650, सबसे लेटेस्ट वाली बाइक है ये। एंड इस बाइक के अंदर जब से हेडलाइट क्लस्टर में LED आया है और इसके अंदर एलॉय व्हील्स आए, तब से ये बाइक और भी ज़्यादा फेमस हो गई है। इस बाइक की जो खास बातें हैं वो मैं बताऊंगा, सबसे पहले बता देता हूँ इंजन बहुत ही तगड़ा है, एक सुपर बाइक वाला फील जो है ना आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। जो इस बाइक की पावर है भाई साहब 47 BHP, और जो टॉर्क है इसका 52 Nm का, उसके साथ ये बाइक बन जाती है रॉकेट। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपने ये बाइक नहीं चलाई तो आप एक बार आप चलाओ, आप दीवाने हो जाओगे इस बाइक के, आपने एक बार ये बाइक चला ली। सेकेंड चीज़, इस बाइक के अंदर एलॉय व्हील आते हैं, तो भाई साहब पंचर वगैरह का तो प्रॉब्लम ही गायब हो चुका है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। डिस्क ब्रेक बहुत परफेक्ट आते हैं इस बाइक की पावर के हिसाब से, पीछे वाला डिस्क ब्रेक मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जैसे कि शॉटगन में देखने को मिलता है पीछे आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक, वो अगर आ जाए इसमें रियर तो बहुत ही अल्टीमेट ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगी और ज़्यादा। LED हेडलाइट क्लस्टर की वजह से लुक अच्छा हो जाता है, नाइट में विजिबिलिटी बढ़िया हो जाती है, एंड यहाँ पर जो है ओवरऑल लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो इस बाइक का इंजन है बिल्कुल लेटेस्ट ट्यून है, ब्रांड न्यू ट्यून इंजन है, साथ में यहाँ पर जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है काफ़ी बढ़िया लुक के साथ देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये जो बाइक है कैफे रेसर लुक के साथ आती है, तो कैफे रेसर लुक के अंदर जो है ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग वाले ही बड़े प्यारे लगते हैं। बाकी केसिंग मेटल की आती है, एडजस्टेबल लिवर्स आते हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, फुल मेटल फ्यूल टैंक आता है विद ग्रेट क्वालिटी ऑफ पेंट, सीट बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पर आपको कुशनिंग बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। एग्जॉस्ट जो ये डिज़ाइन है ये मुझे थोड़े से ख़राब लगते हैं, इसकी जगह आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा सकते हो अच्छे लुक वाले, वो मैं आपको कहूँगा, बट हाँ यार स्टॉक चीज़ स्टॉक ही रहती है, बाकी यहाँ पर अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो आप किसी अच्छी जगह से लगवाना, मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा। बाकी यहाँ पर इस बाइक के अंदर मुझे कोई कमी ही नहीं लगती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन। प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है इस बाइक का, तो हर किसी के यहाँ पर अफोर्डेबल नहीं होती है ये बाइक, बट डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों की ड्रीम बाइक है, मैं आप सच बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों की ये मतलब फेवरेट बाइक है जो वो ये लेना चाहते हैं। मेरी फेवरेट रॉयल एनफील्ड की बाइक आप सबको पता है वो है यही GT 650, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स इन कम्प्लीट रॉयल एनफील्ड लाइनअप।
सो डेफिनेटली 2024 में ये बाइक आप आराम से ले सकते हैं। इस बाइक को खरीदने के लिए आपकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए। इस बाइक को अगर आप लोन कराना चाहते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी होगी इस बाइक को लोन कराने के लिए। ना अगर आपका खुद का खरीदा हुआ घर है, जिस घर में आप रहते हैं आपकी फैमिली का है, इलाका आपके पेरेंट्स का है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का है या आपका खुद का है, तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से लोन करा सकते हैं एंड बहुत ही डिसेंट आप EMI ले सकते हैं, लगभग 9% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया इस बाइक को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी लगभग 25,000 रुपये होनी चाहिए। बाकी बाइक का माइलेज लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर है। साथ में यहाँ पर सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जो पालने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट हाँ, आप मंथली मेरे हिसाब से इस बाइक पर लगभग 4,000 से 5,000 रुपये ज़रूर खर्च कर दोगे, अगर मैं पेट्रोल भी मिला लूँ, आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हो बाइक तो डेफिनेटली महीने में यार 5,000-6,000 रुपये अपनी बाइक पर खर्च करना बहुत ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा अगर आप लोन पर लेते हो तो आप लोन अमाउंट दोगे इसके अलावा। सो दिस इज़ द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड GT 650। आपको कैसी लगी ये बाइक कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप सब वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।